विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई राहत शिविर लगाकर चुनावी चोचले कर रही है। शिविरों में भयंकर गर्मी में आमजन को राहत देने के बजाय आहत किया जा रहा है। विधायक रावत शुक्रवार को जालिया रोड स्थित पावने के ढाबे पर प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान विधायक रावत ने कहा कि सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देने के नाम पर आमजन को प्रताड़ित कर रही है, जबकि सरकार के पास अब सभी बिजली उपभोक्ताओं का डाटा है। पूर्व में 50 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने वालों को ही इसका लाभ दिया जाना है, तो फिर शिविरों में पंजीयन का ढकोसला क्यों किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का पूरा कार्यकाल कुर्सी की लड़ाई में ही निकल गया। कुर्सी के खींचतान से आम जनता को काफी नुकसान हुआ है। 4.5 साल बीत जाने के बाद अब कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावी चौचले के रूप में महंगाई राहत शिविरों के नाम पर आम जनता, जिनमें वृद्ध तथा दिव्यांग को भयंकर गर्मी में घंटों लाइन में खड़ा रहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के युग में जब सरकार के पास सारे डाटा उपलब्ध है, तो फिर ये कैंप लगाने की आवश्यकता क्यों है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुँचाया जा रहा है। सरकार महंगाई राहत कैंपों का राजनीतिकरण भी कर रही है। कैंपों में कांग्रेस नेताओं को मुख्य अतिथि बनाकर झूठी वाहवाही लूट रही है। कांग्रेसियों द्वारा कैंपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है, उसका भी पंजीकरण करवाया जा रहा है। विधायक रावत ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश की सभी महिलाओं को 2 साल पहले मोबाइल देने की घोषणा की थी, मगर आज तक महिलाओं को फोन नहीं दिए गए, सिर्फ घोषणा ही हुई है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में पूरे 5 साल में बिजली बिलों में वृद्धि नहीं करने की घोषणा की थी, मगर सत्ता में आने के बाद आज तक 6 बार से अधिक बिजली बिलों में वृद्धि कर दी है। हमारी भाजपा सरकार में तो फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, वह कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन कर दिया। पिछले 4.5 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। विधायक रावत ने बताया कि प्रदेश वर्तमान में बिजली तथा पेयजल संकट से जूझ रहा है। बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट, डकैती आदि घटनाएं घट रही है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इस भयंकर गर्मी में पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है। इस भयंकर गर्मी में ब्यावर शहर की कई कॉलोनियों में पीने का पूरा पानी नहीं मिलने से जनता परेशान हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बिसलपुर परियोजना का लाभ टाटगढ़ उपखंड में अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। जिन गांवों में पानी सप्लाई हो रहा है, वहां भी 4 से 5 दिन के अंतराल में दिया जा रहा है। वार्ता के अंत में विधायक रावत ने कहा कि प्रदेश की आम जनता इस कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों एवं कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। इस सरकार ने पूरा कार्यकाल जनता की सुध नहीं ली और कुर्सी की लड़ाई में निकाल दिया। जनता समय का इंतजार कर रही है और आने वाले चुनावों में इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। जनता को झूठे वायदे कर झांसे में फंसा दिया, लेकिन अब जनता इस कांग्रेस के झूठे झांसे में नहीं फंसेगी। वार्ता के दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, जवाजा सरपंच संघ अध्यक्ष महिपाल सिंह, पूर्व उपसभापति सुनील मुंद्रा, पूर्व सभापति ऋषभ चंद खटोट, कैलाश मुंद्रा, मुरली तिलोकानी, भाजपा पार्षदगण, सरपंचगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सरकार जो भी रहती है हमेशा लगाती है, हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार भी कहीं शिविर नहीं लगा, लेकिन शिविर लगे उसके अंदर ऐसे कार्य जिसको हम सिर्फ जनता को दिखावाने के लिए ये बात कर रहे हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसको करें। राजनीतिक लाभ हर सरकार लेती है, मानता हूँ, लेकिन इस प्रकार का लोगों को जो लगे, आम जनता परेशान हो रही है। हाँ, शिविर में जाना चाहिए, शिविर में जैसे कोई जिसका पेंशन नहीं हुई हो, एक कैंप लग रहा है उसका पेंशन हो जाए, और कोई कार्य हैं जो उनको ज़मीनों के विवाद हैं तो निपटारा होने चाहिए। इस प्रकार के काम अगर आपने कैंप में नहीं गए और आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको 100 यूनिट बिजली नहीं मिलेगी, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये सरकार के स्टेटमेंट गलत, इसको मैं सही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन सरकार ने 50 यूनिट की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, यह 50 यूनिट सरकार प्रत्येक घर में दिल्ली देगी, तो उसमें सरकार ने वहीं से घोषणा की और लागू होगी। आम जनता को 50 यूनिट
बिजली का बिल माफ हो सके, बाकी का बिल भरना पड़ता है, तो वो लागू हो गया। अब आपको 100 यूनिट देनी है तो फिर लाइन लगाओ, ये काम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को खड़ा नहीं करना चाहिए। अनावश्यक काई के लिए खड़े हो के साथ 50 यूनिट का तो फ़ायदा मिल रहा, लेकिन 100 यूनिट कराने के लिए अपनी लाइन में खड़ा तो अच्छी इस बात के लिए उसके तालों में डॉक्टर नहीं है, और जो डॉक्टर हैं वो क्या अपने कार्य के प्रति सारा इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कहीं आम जनता परेशान तो नहीं हो रही है कि जो बीमार लाचार कितने परेशान हो रहे हैं। उसमें सरकार को हर महीने एक अस्पताल को चेक करने के लिए कि कौन क्या कर रहे हैं,